टर्न्स आउट फर्स्ट डे 60 लड़कों के क्लास में 60 लड़कियों के क्लास में आई क्राइड फॉर दैट आई क्राइड वंस बिकॉज 13 इयर्स आई हैव बीन लाइक और लड़कियां नहीं लाइक आई वांटेड देयर ऐसा लाइफ लेकिन रियली कंफ्यूज क्या करना है एंड देन फिर मैंने एक स्टेप लिया दैट इज स्कूल एवरीथिंग मैं ये करूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा बहुत दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई मेड तब वी रियलाइज्ड कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं होगा यू नीड टू गिव एन ओवरऑल सॉल्यूशन कि द यूजर शुड बी एबल टू सी डिटेक्ट एंड हैव द सॉल्यूशन फॉर सी हाँ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ठीक है अभी देख रहा है तो लाइव आ रहा है हाँ ये सब तो आए बोलना आए बोल रहे हाँ सर्टिफिकेट ले लूँगा Hello everybody, welcome to SPP CET. I'm really honored to be hosting this podcast alongside an ex-Palotine himself. He is the CEO of Hydroverse. Please welcome Mr. Thomas David Tensi. Welcome. How are you, sir? All good, sahi chal raha hai. How about you? Okay. Aapse mil liya. Darshan ho gaya tumhara to sahi hai. I'm actually really happy. The viewers ko nahi pata nahi hai. Like I'm really happy to be hosting this podcast alongside a Bosconian. So. Ooh, give me a B. B. Give me an O. Give me a C. S. S. Give me a C. C. Give me an O. Bosco. It's an inside joke. Bosconians koi samajh aayega ye cheez. Toh samajh nahi aayega. How was your school life? School life was amazing. Bosco mein the. तो तूने कभी football खेलते हुए देखा क्या मुझे? नहीं देखा. ठीक है. Respect नहीं है. ऐसा भी. तो स्कूल लाइफ वॉज अमेजिंग वी मैं यंगेस्ट स्कूल बैंड मेंबर था तो स्टार्टिंग से ही क्लासिकल सॉन्ग्स उसके बाद शिफ्टेड टू वेस्टर्न वेस्टर्न में आके वी हैड दिस अमेजिंग पर्सन कॉल्ड एज उमा नायर उमा नायर मैम थी तो शी मेंटर्ड मी इनटू द वेरी एस्पेक्ट ऑफ जैज पियानो गिटार या आई वाज अ पियानिस्ट ऑफ द स्कूल बैंड आल्सो बेसिस्ट आई टॉट बहुत वी हैड अ कूल ग्रुप उधर भी वी हैड एन अमेजिंग ग्रुप इन व्हिच वी हैड पीयूष एज अ ड्रमर पीयूष चावला एज अ ड्रमर देन वी हैव अ क्रिस जेकब टाइटस ही वाज द हेड बॉय एंड द लीड सिंगर वी हैड आरएमएल राजेंद्र बाबू तो वी हैड अ कूल टीम वी हैव अदर मेंबर्स एज वेल मर्विन एंड वी हैड रचित वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल सो इससे काफी कुछ हुआ फोटोग्राफी सीखा वहाँ पे एंड एट द सेम टाइम आई टुक PCMB विद फिजिकल एजुकेशन सो दैट वाज द मोस्ट पेनफुल टाइम आई वांट फिर उसके बाद आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अपना डॉक्टर बनने के लिए या MBBS पे के लिए ट्राई करा एंड फिर उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में आ गया ठीक है दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर लेकिन स्कूल लाइफ वाज ब्रिलियंट आप स्कूल गोलकीपर भी थे ना स्कूल मैं भी गोलकीपर तू गोलकीपर था गोल सही है स्कूल बैंड में भी था एक्चुअली अरे 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 तो लाइक स्कूल से आप फिर विंसिपलिटी में आए मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि ये मैं ऑल बॉयज से सीधा कोएड में आ गया था आपके लिए ऐसा क्या डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा ना लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा स्कूल 13 इयर्स विद बॉयज एग्जैक्टली वॉज टोटली लाइक हमारे में शर्म नाम की चीज नहीं थी वी कुड डू एनीथिंग एनीवेयर लाइक हमें वी डोंट हैव टू इंप्रेस एनीवन ना हमारा सेट था तो फिर यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट दिन ठीक है दिस इज माय फर्स्ट डे कमिंग मी जेसन अभिषेक एंड एशन तो अभिषेक एंड एशन आर फ्रॉम CSE ब्रांच ओके तो वो लोग अलग क्लास में है मी एंड जेसन आर फ्रॉम ETC ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिल्ली तो हम एक साथ बैठे थे लाइक मैं और जेसन एक साथ बैठे इन अ क्लासरूम तो ETC उस समय दो सेक्शन था हमारे पास 120 का बैच था तो 60 बच्चों को एक सेक्शन में 60 बच्चों को एक सेक्शन में टर्न्स आउट फर्स्ट डे 60 लड़कों के क्लास में 60 लड़कियों के क्लास में आई क्राइड फॉर दैट आई क्राइड वंस बिकॉज 13 इयर्स आई हैव बीन लाइक और लड़कियां नहीं लाइक आई वांटेड देयर ऐसा लाइफ लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ टर्न्स आउट फिर अगले दिन सब कुछ बैक टू नॉर्मल 35 लड़के इधर 35 आए तो बाकी सब कुछ नॉर्मल हो गया था लेकिन यार इट वाज अ ह्यूज शिफ्ट यार काफी था फिर आपका हॉस्टल लाइफ कैसा था मैं अभी करंटली सेकंड ईयर मेरे F10 जिनको पता नहीं है वो इतना एंजॉयमेंट होता है आपका आपके लिए मेरा F11 नहीं मेरा G11 था मेरा G11 इज नेक्स्ट टू द वॉशरूम एनीबडी हु हैज टू गो टू द वॉशरूम हैज टू गो थ्रू आवर रूम तो आवर अपना तो हाईवे बन गया था कोई भी आ रहा है लाइक हैज टू गो टू द वॉशरूम पहले अपने रूम में आएगा हाय हेलो बोलेगा बैठेगा टाइम पास करेगा एंड देन गो टू द वॉशरूम तो ऐसे हमारा काफी कूल गया लाइक बहुत मजे आए वी हैड आदित्य करके दोस्त था मेरा आदित्य एंड समीर वर्मा रूममेट्स तो मुझे उसमें आस्थमा था ओके तो दे हेल्प मुझे आस्थमा अटैक था रात को सोते वक्त तो आई डोंट नो इफ आई हैव आस्थमा
क्योंकि सपने में भर है, असली पता नहीं लगता. तो दे वेक मी अप, गिव मी एस्पिरेंस एंड ऑल, पूरा रेडी करते. तो दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन माय सर्वाइवल, ठीक है, उनके वजह से जिंदा है. एंड फिर उसके बाद एशन, अभिषेक, जेसन, कोको, इज अमे कोको याद है तुम लोग? आई डोंट थिंक सो. कोको राइजिंग कोरोश मरेंग फर्स्ट फ्रॉम मणिपुर, ही वाज द मोस्ट फनीएस्ट पर्सन उस समय. वो आके अपने मणिपुरी एक्सेंट में इंग्लिश बोलता था. तो फिर ही उसने क्या कहते हैं हॉस्टल में बहुत बहुत मस्ती करी है. सीनियर्स हमारे इतने ऑसम थे, टास्क मिलते थे करने को, टास्क में बहुत मजा आते थे, इंटरेक्शन होता था. फ्रेशर्स आया, फ्रेशर्स का 5 राउंड क्लियर करा, उसके बाद मैं और एशन लास्ट तक गए. And yeah, and फिर मिस्टर प्रेशर बन गया था मैं. मिस्टर प्रेशर? तो मिस्टर प्रेशर है क्या? नहीं, जोसेफ का भाई. हाँ, जोसेफ. उसका नाम क्या था? मैथ्यू. मैथ्यू इज द मिस्टर प्रेशर आल्सो. तो बॉस्कोनियंस 3 कंसेक्यूटिव इयर्स में. देख रहे हो, सीख रहे हो. बॉस्कोनियंस का वो है एक्चुअली, मैं क्या ही बोलूं, मैं पता नहीं. आई मीन, अभी आप एक दिन हॉस्टल में रुके थे ना, तो फिर हाउ वाज इट लाइक कमिंग बैक टू हॉस्टल आफ्टर सो मच टाइम? आई मिस्ड a lot of my friends. I missed most of them. अभी मेरा जो ऊपर टॉक हुआ उसके अंदर जिसमें फोटो लगाया मैंने पीछे, I missed every one of them. क्योंकि हॉस्टल एक ऐसा प्लेस, इट्स नॉट द रूम, इट्स नॉट द डेस्क, इट्स नॉट द बेड, इट्स द पीपल. एग्जैक्टली. हम बेशरम होके अगर एक रूम में 15 लोग सो सकते हैं थोड़ा मस्ती करने के बाद, तो इट्स नॉट रियली अबाउट द रूम. हमारा कोई स्पेसिफिक रूम नहीं था. जब मन करता है हम कहीं पर भी जाके बैठ जाते हैं, बात करते हैं, वहीं पे सो जाते हैं. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर मैं एशन के रूम में गया हूँ एंड उसके बेड में सो गया, एंड ही हैज टू गो बैक टू माई रूम विच इज लॉक्ड इन साइड, क्योंकि मेरे रूममेट सो गए हैं. तो ही हैज नो प्लेस टू स्टे, तो मेरे साइड में आके चुपके से सो गया. ऐसा भी हुआ है कभी कभी, सिमिलरली वैसे वैसे भी हुआ है. तो हॉस्टल वाज अ वाइब यार. वापस आके मेस का खाना खा, मेस का खाना खा के अच्छा लगा, तृप्ति मिल गई. लेकिन अच्छा खाना चाहिए, इट्स नॉट दैट बैड. तो ओवरऑल लाइक आपके 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बीच में आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया, राइट? लाइक हाँ, आपने लाइक अपने टेक्निकल फील्ड को आपने एंटरप्रेन्योरशिप उसमें लेके आए. तो लाइक डिस्क्राइब योर फर्स्ट स्टेप, कि लाइक आपने जब डिसाइड किया कि आपको इसमें जाना है, आपको इसमें लाइक एक ब्रांच आउट करना है यूजिंग योर टेक्निकल नॉलेज बट ऑल्सो अ न्यू वेंचर एज वेल, सो आप कैसे उसमें गए थे? बहुत डिफिकल्ट था. तो फोर्थ ईयर में, दैट्स व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप एट RIIT हैदराबाद, एंड आई प्रोफेसर सचिन चौधरी, तो ही वाज, तो अपना मास्टर्स कर ले यहाँ पे. एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि या फिर यू कैन, लेट्स डू दिस वन मोर थिंग, दैट इज तो एक स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं एंड लेट्स जस्ट सी हाउ दैट गोज. एंड सिमिलरली 2 डेज आफ्टर दैट आई गॉट प्लेस्ड इन विप्रो एंड ईटॉस. तो इट्स अ हेडेक. माय पेरेंट्स वांट मी टू डू masters. Okay. And I want to earn some money through ATOS or Wipro. And there's this headache of startup. कि if startup goes well, it's going to be really really good. And मुझे उस समय startup का मुझे S भी नहीं पता था. All I have to do, मतलब पता था कि मेरा कुछ तो हो सकता है करके. And I asked this one person, एक है मतलब one of my pillars, Sharon करके है, उनकी दीदी, she is, and उसमें MBA कर रही थी, she was a big figure for me. तो उस समय उनसे पूछा, तो she was like, तू एक सेलेक्ट कर, अपने सारे स्टिक्स में डाल दें एंड देन कर लेते हैं. तो उसके 5 मिनट बाद एक और फिर कॉल आता है उनसे, बोलते हैं तू मास्टर्स कर ले. एंड आई वाज लाइक रियली कंफ्यूज क्या करना है. एंड देन फिर मैंने एक स्टेप लिया, दैट इज स्क्रू एवरीथिंग, मैं ये करूँगा स्टार्टअप. अच्छा, बहुत, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई मेड टिल डेट. क्योंकि इवन दो स्टार्टिंग में सेटबैक्स थे इन टर्म्स ऑफ finance, I see my other friends who are placed in different companies, earning and partying and all that. Us samay I didn't have that source of money. So us samay I was in the phase ke like, haan abhi kaam karna hai, maybe future milega. And abhi when I talk to these people, they realize like corporate slaves wala concept. That's when I realize ki I have grown so much, like rejection itna face ho ke aa gaya ki I'm like super strong, farak nahi padta. And कितने सारे कनेक्ट्स बन चुके कि इवन आई हैव कॉन्टैक्ट विद गूगल. कुछ भी हो तो गूगल के लिए भी बात है, मतलब ऐसे है. तो नेटवर्किंग बहुत हो गया इसमें. यू मीट अमेजिंग पीपल. आई हैव मेट द गवर्नर ऑफ पॉन्डिचेरी हिमसेल्फ. आके पर्सनली उन्होंने बोला कि वी नीड योर सॉल्यूशंस इन पॉन्डिचेरी, उन्होंने खुद आके बोला. तो दैट फील्स रियली गुड, लाइक अपने ऐसा ह्यूमिलिटी आता है कि कितना बड़ा पर्सन हमसे आके बात कर रहा है. एंड बहुत अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज मिले इस चीज़ की वजह से, इट वॉज अ गुड गुड डिसीजन दैट आई मेड. No, that's amazing actually. Like आपने startup में जाने के बाद आपने water safety के बारे में आपने वो किया था. तो फिर Ashin call कर रहा है. एक मिनट. Hello Ashin.
हाँ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ठीक है अभी दे रहा है तो लाइव आ रहा है हाय सबको हाय बोलना हाय बोल दे हाँ हाँ सर्टिफिकेट ले लूँगा हाँ श्योर 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 ओके बहुत वेस्टेज होता है उसका वाटर का और फिर आपने कैसे लाइक डिस्कवर किया कि मेरे को इसमें जाना है और इसको आपको कंटिन्यू करना है So initially I was in this one project called as onion project. Onion project. Onion. So प्याज. So basically what I have to do is detect the freshness of onions based on smells from the onions. ठीक है. Okay. तो इसको करते समय what we have to do is sensor का array बनाना है. एक डब्बे में डालना है and onions को रखना है for 1 month. तो all you have to do is keep the sensor for 1 month. तो उसके इसमें मैं क्या करूँगा? तो आई शिफ्टेड टू अदर प्रोजेक्ट्स तो वाटर डोमेन में अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिले तो पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ये तेलंगाना यूज टू कम ट्रिपलाइटी हैदराबाद में था तो उन्होंने आके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए कि यू कैन डू कैन वी हैव प्रॉब्लम्स लाइक दिस कुड यू हेल्प अस विद तो बना दिया तो वी हैव इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स सो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स विच वी कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी में लेके आए देन हमने सोचा कि स्टार्टअप शुरू करते हैं एंड देन इज वेन वी रियलाइज कि देर इज अ ह्यूज मार्केट जब एनालिसिस करा गया तो आई डोंट नो इफ यू नो दिस But every day, 160 crore liter of water is pushed into Hyderabad. Okay. 160 crore liters, out of which 77 crores is wasted. That is 48% of all the water that is used is wasted. Tab pata lag gaya, it's a huge market and not because of the water wasted. The cost associated with water, that equates to around 3.3 crore rupees daily ka pani waste hota hai. So if we are able to save 10% of that, वो अपना ही पैसा हुआ ना उनका पैसा सेव हुआ ना तो दैट इज व्हेन वी अंडरस्टूड देयर इज अ ह्यूज मार्केट एंड जब और रिसर्च करा गया वी अंडरस्टूड वाटर मॉनिटरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी $1.5 billion बाय 2025 अब उसमें से 10% मिल गया 5% मिल गया इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग टैप इन कर लिया हमने तो तब वी रियलाइज कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने से नहीं होगा यू नीड टू गिव एन ओवरऑल सॉल्यूशन कि द यूजर शुड बी एबल टू सी डिटेक्ट And have solutions for the same. आपका research मतलब basically आपने बहुत किया होगा फिर इस field में right? बहुत exactly. हाँ. आप research करने के बाद आपने जब इस पे आपने शुरू किया उसके बाद आपको बहुत setbacks मिले होंगे like what was that thing that made you feel no like I won't give up I will still stick to that was there anything like that? Oh था family. Family. तो my parents are the most hardworking people. ठीक है माई डैड इज द सुपर मोस्ट क्या कहते हैं इंस्पिरेशन फॉर मी तो उनके लाइक व्हेन आई टॉक टू देम लाइक हाँ हो जाएगा ये ट्राई कर ले एंड जो प्रॉब्लम्स आते हैं यूज टू टेल देम कि लाइक ऐसे ऐसा आ रहा है मतलब पापा बोलते थे कि कुछ और ट्राई कर मतलब कुछ और सोच यूज लाइक ये डोंट क्विट दिस कुछ और सोच ले हो जाए करके एंड दैट वन थिंग वो वही लाइक ट्राई कर ले हो जाएगा केप्ट मी लाइक मूविंग फॉरवर्ड एंड आई ऑल्सो हैव दिस ब्यूटिफुल टीम अ ब्यूटिफुल टीम कुछ भी दिक्कत हो देखो लाइक चलो कुछ खाने चलते हैं कुछ क्या कहते हैं घूम के आते हैं एक राउंड लगा के आते हैं तो देर इज दिस टीम हु इज देयर देर आर फ्रेंड्स तो उनके बिना इट्स रियली डिफिकल्ट कुछ भी हो तो इनके पास पलटने के लिए मेरे पास है मेजॉरिटी ऑफ द पलटेंस लाइक अभी जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मतलब वहाँ पे ट्रिपलाइटी हैदराबाद में 4 पलटेंस थे हमारे पास उधर और भी लोग थे लेकिन पलटेंस भी थे हमारे पास काफ़ी नाउ कमिंग बैक टू एक्सपो डे राइट आपने अपना सेशन लिया फ्रॉम प्रॉफिट टू प्रॉफिट हाउ वाज इट was lovely the audience was brilliant काफी अच्छे से सुना उन्होंने questions भी अच्छे पूछे it was great experience like उनके like even though I am explaining things to them I am living that dream with them like I want the journey to be with them along the way तो उसके वजह से I felt like a part of the entire session it was beautifully organized the team like you guys do wonderful मैं काफी अच्छा कर रहे हैं यार kudos to you thank you so much like आपने जो topics choose किया पहले rejection problem solving network building उस सब के बाद like why did you choose that topic why did you feel like that was something that you needed to tell primarily when people are asked तुम्हें क्या problem है they're not able to explain the problem correctly जिसके वजह से दे आर नॉट एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस पर से तो इफ एट ऑल दे तो द थिंग इज इफ यू आर एबल टू डिफाइन प्रॉब्लम्स वेरी लाइक नैरो इट डाउन तो यू आर एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस रियली फास्ट इफ यू से आई एम हंगरी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम
why are you hungry is a problem. Is there not food at your home? Is there not food at a place? Is the food not hygienic? So if you tap into problems at individual levels, you're able to solve problems much more efficiently. Hmm. So that is what the overall concept was like, to idea to profit. So basically implementing ideas based on problem statements. So that's a journey that we tend to have, and probably a lot of people like take it for granted and mistaken. Hmm. So that is something I wanted to convey to people, like problem understand karo, not the solution. Well, what is your perception? What is your view of EXPO, right? With the event that is going on, हमारे coordinators को coordinators ने इतना मेहनत किया थी बनाने के लिए. Like आपका उसपे वो क्या है? Like review क्या है आपका उसपे? How do you feel part of this? Like being a part of this. Yes. How do you feel it? Me, like I'm really honored actually. Okay. मेरे को बहुत मजा भी आ रहा actually. काम बहुत है, hectic है काफी. Like हम Valorant खेलते थे, पर हम खेलने का time नहीं मिलता अभी. तो अभी फिर उसके अभी बहुत थोड़ा hectic सा जा रहा है, लेकिन but तभी मजा आ रहा है. Like feel like doing something. Like it's actually really great for me. सही है. तो similarly, every college institute should have a incubation cell or a e-cell, right? Entrepreneurship cell. So you guys have that. Yeah. So you need to promote that, and people need people like you to fall into. अभी एक ऊपर से question आया था बच्चे का, how do I do it? How do I start a startup? उसको कुछ नहीं पता. And you guys already are into helping people into entrepreneurship. So you guys are doing a fabulous job. You guys are like ज़रूरत है, like we need. अपने time में ये नहीं था. I'm really grateful ऐसा हो रहा है यहाँ पे. You people are taking so much initiative, and I'm really grateful like people are asking questions about entrepreneurship. हमारे time पे there were like not many entrepreneurs here. Not many entrepreneurs. So I'm really glad you guys doing this. Achha laga. Oh, thank you so much, sir. I feel really happy. You made my day. Like, sir, lastly, I would like to say that I'm pretty sure ki jo yahan pe viewers watching and majority Techpolitans honge, like they'll be able to relate to you the most. Right, out of all the speakers, in my opinion as well, because you are from the same situation, same backgrounds. वहाँ से आपने start किया था, same hostel के वो कमरे, same college, same classes, same faculty, everything, same situations. अपने वहाँ से आप quite successful आप मैंने हो. तो like what's that advice that you would like to give to the viewers watching? थोड़ा patience रख लो. You can't get everything and everywhere, all that you want. सो थोड़ा पेशेंस रख के स्ट्रैटेजाइज कर लो, लाइक हैव पेशेंस टू स्ट्रैटेजाइज, एंड यू विल बी, इवन इफ यू वांट टू स्नीक आउट ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस, तो यू कैन जस्ट स्नीक आउट, यू हैव टू प्लान ना. चोरी ऐसे थोड़ा ना करते, आई एम नॉट सेइंग चोरी करना चाहिए, लेकिन तो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सम थिंग्स यू नीड टू प्लान रियली रियली वेल. तो अच्छे से प्लान करो, इवन लाइक सबसे बढ़िया एग्जाम्स के लिए, तो इफ़ यू प्लान रियली वेल कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉबिलिटी लगा लो. ये थोड़ा एम एल के कॉन्सेप्ट से, दैट इज लाइक रिकर्सिव लर्निंग, पीछे जो पढ़ा था वो आगे यूज करके, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल. बस थोड़ा प्लानिंग कर लो, एंड हैव पेशेंस, एंड हैव पेशेंस, एंड या हॉस्टल का खाना इतना भी बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है, ट्रस्ट मी, इट वाज गुड. एंड हॉस्टल इज ब्यूटीफुल यार, अपना हॉस्टल इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा है. एंड सिंस यू गाइस आर देयर इन द एंटरप्रेन्योरशिप सेल एंड वी हैव बेटर फैसिलिटीज ओपनिंग अप, आई थिंक इट्स अ गुड वे टू गो. सही चल रहा है. Thank you so much, sir. I'm really happy to be doing this podcast. Yeah, happy kushu, yeah. Mr. Thomas David Tensi, everybody, give a huge round of applause. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much for doing this podcast. Thank you so much for having me here. Thank you, everybody.